तो जी स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही पनीर की रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 प्याज, ये टमाटर हैं 9 से 10 टमाटर हैं क्योंकि ग्रेवी तो इन्हीं की बनेगी ना, लहसुन, अदरक और ये हैं कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, इलायची, जीरा और पनीर और ये हैं थोड़े से काजू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई और इसको रख दिया है गैस के ऊपर, गैस की फ्लेम कर दिए हैं ऑन और इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी, बटर, जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं, पर मैंने यूज किया सरसों का तेल। तू की छुप रही है, ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे आके, करेगी क्या चाय पी यार? ये बना रही है आलिया चाय अपने लिए, छुप छुप के बना रही है, पर इसमें पानी तो डाल ले, ये पतीला जल जाएगा सारा। हाँ डाल रहा हूँ। तो तेल हो गया है गरम और इसमें से निकलने लगा है धुआं, इसका मतलब है कि तेल गरम हो गया है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सारे खड़े मसाले। अब ये रफली मैंने प्याज काट ली है और अभी प्याज भी ऐड कर दी। इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हम, प्याज को हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा भून लेंगे इनको। और फिर ऐड कर देंगे हम इसमें टमाटर। और इधर बना रही है आलिया चाय और अपने लिए सेक रही है ब्रेड, या ये टिफिन से इसको लगी हुई है भूख, तो कह रही है मैं ब्रेड खाऊंगी। घी लगा लगा के बिना घी के नहीं लगते घी से। मेरे दोस्त बोलते हैं मैं बहुत अनहेल्दी खाती हूँ। तो फिर क्यों खाती है? तो कुछ ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है भाई, बताओ इतना भी नहीं होना चाहिए। पूरे उसने 1 साल से कोल्ड ड्रिंक छोड़ रखी है, तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो पीऊंगी ना। तो हमारे प्याज हो गए हैं हल्के हल्के से ब्राउन। अब डाल दूंगी मैं इसमें लहसुन और अदरक के पीसीज। इनको भी 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब आता है टमाटर का नंबर। अब इसमें कर देंगे रफली चॉप्ड किए हुए टमाटर ऐड और इनको भी मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरह से। ये हो गए हैं मिक्स। अब ये डाल देंगे काजू इसके अंदर ही और इनको भी कर लेंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स। डाल दूंगी मैं इसमें नमक लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हल्दी पाउडर थोड़ा सा और इनको खूब अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 कप के लगभग पानी, 1 कप के लगभग पानी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको है ना कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट के लिए इनको पका लेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इनको पका लेंगे।
अच्छी तरह से। अब लगा दूंगी मैं इस पे ढक्कन और इनको और गैस की फ्लेम मेरी है मीडियम टू हाई और इसको पकने दूंगी अब। और इधर आलियन ब्रेड सेक ली है, इसकी चाय भी बन गई है। अब इसको छानना बाकी है। हाँ छान ले, फिर छानना पड़ेगा ही ना। चलो पक्के हो गए हैं 15 से 20 मिनट। तो टमाटर बिल्कुल हो गए हैं सॉफ्ट, तो अब कर देंगे हम इसको बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। फिर इस सारे मिक्सर को लेंगे पीस। अब मैं गैस की फ्लेम कर दी है वो, इसको कर लूँगी ठंडा। ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के। तो भाई हमारा मिक्सर हो गया है हल्का हल्का ठंडा। अब मैं इसको मिक्सी के जार के अंदर डाल के खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। मैं पलट लूँगी सारा, पहले सारा मिक्सर मिक्सी जार के अंदर और अब इसको मैं ग्राइंड करके लाऊंगी। ग्राइंड कर लिया है मिक्सर जो हमारे पास था, जितना हो सकता है उतना मैंने ग्राइंड कर लिया है फाइन। अब इसलिए मैंने छलनी और एक बड़ा बर्तन, अब इसको हम अब मैं इसको छान लूँगी और जो बाकी इसके छानने के बाद जो ये रह जाएगा ना मोटा मोटा सा, इसको ये हो जाएगा अलग और फिर बन जाएगी हमारी बिल्कुल फाइन ग्रेवी, बिल्कुल स्मूथ फाइन ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी हमारी। अगर हम ये छानेंगे नहीं तो ये है ना जो गरम मसाले का था, खड़े मसाले का था, तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा, फिर फाइन ग्रेवी नहीं बनेगी, इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम सब सारे को छान लूँगी, फिर छानने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखना छानने के बाद कितनी स्मूथ सी ग्रेवी हो गई है ना हमारी। और ये जो था सारा ये अलग हो जाएगा, इसको हम फेंक देंगे। ऐसे करके ना सारा मिक्सर छान लेंगे। ने सारा मिक्सर छान लिया है और हमारी स्मूथ सी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैंने गैस पे चढ़ा दी है दोबारा से मैंने कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी। आप चाहे तो बटर, तेल, जो आपका मन करे वो यूज कर सकते हो। मैंने अब लिया है देसी घी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा डालने से। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो, बटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने ली है दो हरी मिर्च जो लंबी लंबी काट ली है और मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च और अब डाल दूंगी एक ग्रेवी। आप चाहो तो हरी मिर्च के साथ अदरक के लच्छे भी काट के डाल सकते हो, पर मैंने तो हरी मिर्च डाली है बस। अब इसको थोड़ी सी देर पका लूंगी मैं और इसको पकाना ढक्कन लगा के ही, क्योंकि ये है ना बहुत उछलता है पकते में, तो इसलिए इसको ढक्कन लगा के ही पकाना। अब इसको पका लूंगी मैं 5 से 7 मिनट के लिए। देखना कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। तो अब ये हमारी ग्रेवी पक रही है, अब मैं ऐड करूंगी इसके अंदर थोड़ी सी दही, ये खट्टी नहीं है ज़्यादा दही, इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी दही और ये दही के साथ पक जाएगी, दही भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी। और इसको कर दूंगी मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स। खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आ रही है मसालों की, हमने खड़े मसाले डाले थे ना उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच के करीब मैं चीनी इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि
शाही पनीर का टेस्ट थोड़ा हाँ मिठास मीठा होता है, थोड़ा हाँ मिठास आता है इसमें, इसलिए इसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ। अब थोड़ी सी देर और ग्रेवी को पका लेंगे ढक के, ढक्कन लगा के इसको थोड़ी सी देर और पका लेंगे। तो जी ढक्कन उतार के आप देखते हैं तो हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर क्रीम, ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर क्रीम। क्रीम डालने से इसका कलर और टेक्सचर भी और भी अच्छा हो जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर दूध की मलाई भी डाल सकते हो, जब हम दूध पी के ऊपर से उतारते हैं ना वो मलाई फेंट के वो डाल सकते हो, पर मेरे पास आज थी नहीं, मैंने उसका घी बना लिया था इसलिए मैंने क्रीम का यूज किया है। ये देखिए कितना सुंदर तो कलर आ गया है और कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। तो आप ट्राई जरूर करके देखिएगा, ये खूब खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है, टाइम कंज्यूमिंग तो है ये भाई, नाम ही जब इसका शाही पनीर हो गया तो टाइम तो ये लेगा ही ना, पर है ना सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है इसकी। ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, बस हमारी ग्रेवी बन के रेडी है। अब डाल देंगे हम इसमें पनीर के स्लाइसेस, डाल दिए हमने पनीर के स्लाइसेस और लास्ट में इसमें जाएगा, मैंने लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसको रोस्ट करके मैं इसमें डालूंगी। मंदी गैस पे एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसको मंदी गैस पे एक मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी और फिर इसको डाल दूँगी इसमें शाही पनीर, फिर इसमें डाल दूँगी, फिर इसको डाल दूँगी, सॉरी बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई, फिर इसको डाल दूँगी शाही पनीर में और इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। पूरी मेथी भी रोस्ट कर ली है और अब इसको डाल देंगे हम शाही पनीर में। तो जी हमारा यम्मी सा डिलीशियस सा शाही पनीर की सब्जी बनके तैयार है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए बस हो गया, अब गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और अब आता है इसको सर्व करने का नंबर। तो भाई अब आता है इसको सर्व करने का नंबर, अब डाल देंगे इसमें तो भाई हमारी शाही पनीर की टेस्टी सी यम्मी सी सब्जी बनके तैयार है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और ट्राई जरूर करके देखिएगा। बनाने में इजी है पर टाइम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बनाने में इजी है और खाने में टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।